आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजन के कार्यक्रम में शिरकत किया। वहीं अपने भाषण में जनसंख्या विस्फोट को लेकर निशाना भी साधा, जिस पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। दशहरे के पावन मौके पर एक बार फिर नागपुर के संघ हेडक्वार्टर में शस्त्र पूजा की तस्वीरें आईं। हर साल संघ प्रमुख शस्त्र पूजा करते हैं और इस बार भी बकायदा ये परंपरा मोहन भागवत ने निभाई। शस्त्र प्रणाम हुआ, संघ के गीत गाए गए। इसके बाद मौका था संघ प्रमुख के संबोधन का, जहां एक बार फिर मोहन भागवत ने जनसंख्या का मुद्दा उठाया। जनसंख्या का विचार दोनों रूप से हो सकता है, वो एक साधन भी है और एक परिस्थिति में विचार करता है तो एक बात लगती है, दूसरे परिस्थिति में विचार करता है दूसरी बात लगती है। चीन की इतनी ज्यादा जनसंख्या थी, उनको बोझ लगने लगा, उन्होंने एक परिवार में एक संतान और बाद में नहीं संतान ऐसी नीति अपनाई। बड़े कड़े प्रयास से उन्होंने उसको लागू किया। हमारे यहां क्या है, हमको भी विचार करना पड़ेगा। हमारा देश 50 वर्षों के बाद कितने लोगों को खिला सकता है। करीब एक घंटे के भाषण में हिंदुस्तान का जिक्र हुआ, हिंदुत्व का जिक्र हुआ, तो जनसंख्या नियंत्रण के सुझाव भी पंथ के आधार पर दिया गया। इस जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं, जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। पहली बार संघ के कार्यक्रम में महिला मुख्य अतिथि थी। शस्त्र पूजा के दौरान पहली बार महिला मुख्य अतिथि संतोष यादव मौजूद थी। संतोष दो बार माउंट एवरेस्ट पता करने वाली दुनिया की एकमात्र महिला। इस मौके पर मोहन भागवत ने आधी आबादी की अहमियत को भी समझाने की कोशिश की। समाज के बाकी सारे कामों में पुरुष महिला एकत्र मिलकर काम करते हैं, यह चलते आ रहा। डॉक्टर साहब के समय की जो परिस्थिति थी उस समय व्यक्ति निर्माण के काम के लिए दो संगठन हो गए, लेकिन बाकी सभी कामों में सब मिलकर काम करते हैं, क्योंकि ये पूरकता की दृष्टि है। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनको भी सशक्त करना पड़ेगा। दशहरे पर संघ प्रमुख का भाषण और फिर उस पर सियासत, ये भी परंपरा बन चुकी है। और एक बार फिर इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया। हिंदुत्व से लेकर जनसंख्या नियंत्रण के सुझाव पर विरोधी हमलावर हो गए। वैसे लोग जिनको डेमोग्राफी की समझ नहीं है ना, या जानकार नहीं है, उनको इन विषयों पर बोलने से बचना चाहिए। डेमोग्राफर्स हैं हमारे देश में, अच्छे डेमोग्राफर हैं, जो डिकेडल रेट ऑफ ग्रोथ को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं। सरकार का खुद का पक्ष है संसद में। आप उसके बाद अगर ये डॉग विसिल होता है आबादी को लेकर के, जनसंख्या वृद्धि को लेकर के, डेमोग्राफी के सार तत्व से विलग, उसके अंतर्निहित जो मूल्य है उनसे विलग, तो जाहिर है इस डॉग विसिल पॉलिटिक्स के मायने तो हम भी समझते हैं और देश भुगत भी रहा। याद कीजिए सन 77, 76 और 77 जब एक नीति बनी थी तो तत्कालीन जनसंघ ने इसको मुद्दा बनाकर सन 77 में चुनाव लड़ा था और उन सबके साथ शामिल होकर महागठबंधन बनाया था। तब तो राजनीतिक लाभ उठाया आपने, क्योंकि आप विपक्ष में थे। मैं तो चाहता हूं भारत की जनसंख्या नियंत्रण पर जो जनसंघ ने किया था, आरएसएस के संचालक से मैं यही चाहूंगा कि इसके लिए उसकी निंदा करें, उसकी प्रताड़ना करें। जैसे कभी ब्रिटिश के जमाने में पब्लिक स्पेस पर भारतीय को घुसना मुश्किल हो गया था और साइन बोर्ड लगते थे कि यहाँ केवल अंग्रेज घुसेंगे, भारतीय घुस नहीं सकता, अगर वही मानसिकता लेकर धर्म के नाम पर अगर ये लागू किया जाएगा,
ये हमारे देश के लिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। न संघ प्रमुख का जनसंख्या पर सुझाव पहली बार है, न संघ प्रमुख का हिंदुत्व पर पहली बार सुझाव है, और न ही इस पर होने वाली सियासत, जिस पर अभी और घमासान होना बाकी है। आज तक ब्यूरो।